वो कहते हैं ना, कुछ चेंजेस बेटरमेंट के लिए होते हैं। बस यही सोचकर नोकिया ने भी कुछ चेंजेस किए हैं। दरअसल कंपनी को नई पहचान देने के लिए नोकिया ने अपने आइकॉनिक लोगो में बदलाव किया है। 60 साल में पहली बार कंपनी ने ये कदम उठाया है। दुनिया भर के यूजर्स लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। ये तो सब जानते हैं कि नोकिया कंपनी लंबे समय से अपने मजबूत मोबाइल फोन के लिए जानी जाती है। अन्य नई कंपनियों की तुलना में वर्तमान में नोकिया के मोबाइल फोन की बिक्री कम है, लेकिन अब कंपनी ने अपना लोगो बदलकर बदलाव का संकेत दिया है। नए नोकिया लोगो में 5 अलग अलग आकार शामिल हैं, जिससे नोकिया शब्द बना है। पहले कंपनी के लोगो में सिर्फ नीले, बोल्ड और जेनरिक शब्द ही होते थे, लेकिन अब यूजर्स लोगो में कलर कॉम्बिनेशन नोकिया न्यू लोगो देख सकते हैं, जिसे पता चलता है कि कंपनी का नया फोकस अब बिजनेस टेक्नोलॉजी मार्केट पर हो। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू दोबारा बढ़ाने के लिए हाल ही में नोकिया G22 स्मार्टफोन को लॉन्च किया। इस मोबाइल फोन का बैक कवर 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। नोकिया G22 की बैटरी, डिस्प्ले, चार्जिंग पोर्ट, हर चीज को ग्राहक घर पर ही ठीक कर सकता है। इसके लिए कंपनी आपको मोबाइल फोन के साथ आई फिक्सिट किट फ्री दे रही है। इस किट के जरिए आप स्मार्टफोन का कोई भी पार्ट आसानी से बदल सकते हैं। अगर बात करें फोन के फीचर्स की, फोन नोकिया G22 में आपको 6.25 इंच की LED प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो 90 Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। मोबाइल फोन 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत लगभग 15,500 रुपये के आसपास है। फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिससे 50 MP का मेन कैमरा है, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा दिया है। मोबाइल फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 20 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है।